अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस लेक्चर में हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। हम इसके अंदर स्ट्रक्चर जो डिस्कस कर लिया था टर्शियरी स्ट्रक्चर, और हम क्वार्टरी स्ट्रक्चर को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने याद रखना टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही डिराइव होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। या तो ये जो है वो फोल्डिंग ऑफ डोमेन्स की वजह से होता है, डिस्कस करते हैं क्या है, या तो फोल्डिंग ऑफ डोमेन्स की वजह से होगा, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं फोल्डिंग ऑफ डोमेन्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग ऑफ डोमेन्स, या आप कह सकते हैं फाइनल अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब डोमेन्स क्या होती है, आपको डोमेन्स के बारे में बताना चाहिए कि जो डोमेन्स है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सब यूनिट होते हैं, मतलब यूनिट होते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड। वेट, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में हम टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, सर क्वार्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे और सर प्रोटीन फोल्डिंग्स वगैरह को देखेंगे और रोल ऑफ चैपरॉन्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आपको बताऊं जी टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के मिलने से। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसकी आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, फोल्डिंग ऑफ डोमेन्स, और या आप इसको कह सकते हैं कि फाइनल अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स। आपको डोमेन्स के बारे में नहीं पता होगा, डोमेन्स भी हम डिस्कस करते हैं। आपने याद रखें कि जब एक ग्लोबुलर प्रोटीन को जब आप वाटर में डालते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके जो आउटर सर्फेस है, मतलब आउटर पार्ट होगा उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो होगा आउटसाइड और हाइड्रोफोबिक पार्ट इनसाइड होगा। तो आप ऐसे याद रखते हैं हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक। वैसे ये देखिए आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड को, लेकिन आपने जो है इसका उल्टी याद रखना है कि आई जो है वो इनसाइड को शो कर रहे थे, तो लेकिन आपने ये याद रखना ये आउटसाइड होती है, और यहाँ ये ओ जो है आपको शो करेगा फोबिक है, इसलिए जो है आपने याद रखनी है आउटसाइड को शो करेगा, लेकिन आपने याद रखनी है इनसाइड। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि डोमेन्स क्या होते हैं। डोमेन्स आपने याद रखने ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, एक यूनिट को आप कहते हैं बेसिक यूनिट। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर 200 अमाइनो एसिड्स वाली में कितने हो सकते हैं, दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं डोमेन्स। ठीक है, अब डोमेन्स का जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है ये किससे मिलकर बना होगा, इसके जो सेंट्रल पोर्शन है वो मिलकर बना होता है आपके पास मोटिफ से। ठीक हो गया, ये मोटिफ से मिलकर बना होता है। अब जो फोल्डिंग और पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक जो आपका डोमेन है उसके अंदर, एक डोमेन के अंदर जो फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, या आप ऐसे आते हैं एक डोमेन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर है। ठीक है, अब हम देख रहे थे जो फैक्टर्स स्टेबलाइज कर रहे हैं आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को, इनके इंटरेक्शन वगैरह को हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो आपको बताना चाहिए कि जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना उसके बनाने का तरीका जो है आपको पहले ही प्राइमरी स्ट्रक्चर में मिल जाता है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो सीक्वेंस होता है वो आपको बता देते हैं अमाइनो एसिड का। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन होते हैं अमाइनो एसिड के और साइड चेन्स वगैरह के, उसको गाइड करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को कि वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो वो इन्हांस करे अपना, मतलब कि वो बनाए उसको। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे कि कौन कौन सी इंटरेक्शन जो है वो स्टेबलाइज करती हैं। डाइसल्फाइड है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इंटरेक्शन है, तो हम इन सबको तरतीब के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इंटरेक्शन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड आपने याद रखना है ये सबसे ज्यादा जो है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में इसका रोल है। ठीक है, और उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो है वो
और ये जो है वो प्रोटीन को डी नेचर होने से बचाता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। इसके दो काम हो गए, स्टेबलाइज और डीनेचुरेशन को प्रिवेंट करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। ये जो है वो सल्फाइड ग्रुप्स होते हैं दो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स के, दो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और इन्होंने सिस्टाइन बना देना, ठीक है, सिस्टाइन बना देना। अब जो आपके ये दो सिस्टीन मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान कौन सा लिंकेज होगा, डाइसल्फाइड, ठीक हो गया, डाइसल्फाइड लिंकेज होगा। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमने कह दिया कि जब भी आप उसको वाटर के अंदर डालते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या कह रही है कि आप जब उसको वाटर के अंदर डालेंगे प्रोटीन को, तो उसका जो आउटर पोर्शन होगा वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा और हाइड्रोफोबिक जो होगा वो इनसाइड होगा, ताकि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सके। अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या होगा कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर आउटर पोर्शन जो होगा वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा और अंदर वाला पोर्शन जो है हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, ताकि वो जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी डिजॉल्व हो सके, ठीक है। और इस तरह की इंटरेक्शन वगैरह के अंदर जो है ना सेग्रीगेशन ऑफ आर ग्रुप हो जाती है जो एनर्जेटिकली फेवर कर चीजें की जाती है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आपने याद रखनी है कि यह हाइड्रोजन ग्रुप या ऑक्सीजन ग्रुप, जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है या एच की वजह से होती है, जो किससे ऑब्टेन हो रहा है, नाइट्रोजन से ऑब्टेन हो रहा है। तो आपके पास एक माइनस जो जिसके अंदर जो ज़्यादा रिच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह बनाने, मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, जैसे सीरीन या थ्रियोनीन वगैरह है इनके अंदर, या जो आपके ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप वगैरह हैं उनके अंदर, जो आपके पास अमोनिया कंटेनिंग ग्रुप्स हैं या जिनके अंदर ये वाले ग्रुप्स ये जी में रिच होते हैं, ये उनके दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना पोलर ग्रुप्स के दरमियान और जो है कोई सॉल्वेंट है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करती है, मतलब ये सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन में हेल्प करती है, ठीक है। तो काम आपको पता लग गया, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आयनिक इंटरेक्शन आपने याद रखनी है कि जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं जैसे कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं ये जो ग्रुप्स हैं, इन दोनों ने आपस में जो है वो आयनिक इंटरेक्शन डेवलप करनी है। अभी जो कंपाउंड हैं आप खुद देख लें कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले हैं उसके अंदर आप एस्पार्टेट और ग्लूटामेट वगैरह याद रखेंगे, और जो अमोनिया वाले हैं उनमें आपने याद रखनी है जिलाइसिन वगैरह और हिस्टिडीन वगैरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये चारों बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब इनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड ने जो है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है और डीनेचुरेशन से प्रिवेंट करना है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ने जो है आपके पास सॉल्युबिलिटी मेंटेन करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने भी सारी सॉल्युबिलिटी मेंटेन करनी है, और आयनिक इंटरेक्शन के हमने देख लिया कि इन्होंने जो है वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन कायम करने में हेल्प करनी है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन फोल्डिंग को। ओके, अब हम देखते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरेक्शंस होती है ना डिफरेंट अमाइनो से, जो अमाइनो एसिड की जो साइड चेंज होती है उनके दरमियान इंटरेक्शंस जो है ये आपको बताती हैं कि कितनी जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फोल्ड होगी, ठीक है, और वो एक इंट्रिकेट जो है वो थ्री डायमेंशनल पैटर्न कैसे लेके आएगी, मतलब वो कितना कम्पैक्ट होगा, कितना बड़ा होगा, ये जो है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटीन फोल्डिंग आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन फोल्डिंग एक नॉन रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, और उसके अलावा ये एक ऑर्डर्ड प्रोसेस है, ऑर्डर्ड पांच फेज फोल्डिंग, ठीक है। तो इसके अलावा आप याद रखेंगे ये सेकंड से मिनट्स के अंदर भी हो जाता है। उसके अलावा एक जो पेप्टाइड फोल्ड करती है उसके जो आपने अब तरतीब याद रखनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फोल्डिंग है ये मॉड्यूलर होती है, मॉड्यूलर फोल्डिंग। मॉड्यूलर फोल्डिंग से क्या मुराद है, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना,
सिंपल प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना। सबसे पहले आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, प्राइमरी के बाद वो जो है वो अरेंजमेंट होगी, और वो जो है वो फोल्डिंग होने के बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेके आएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप क्या होगा कि आगे वो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक वगैरह जो आगे डिवेलप होंगे, और वो आगे एक अंदर चला जाएगा और एक बाहर आ जाएगा। तो ये जो है वो कम्पैक्ट स्ट्रक्चर लेके आएगा। मोल्टन ग्लोब्यूल्स वगैरह की फॉर्मेशन होगी, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट मोल्टन ग्लोब्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। और ये जो है वो क्या बना देगा आपके पास, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो अपने आप को मोल्ड कर सकें, ठीक है। अब ओलिगोमेरिक प्रोटीन है, उसके अंदर आपने याद रखना, ओलिगोमेरिक प्रोटीन हम जब पार्टनर स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर बताते हैं, ओलिगोमेरिक प्रोटीन के अंदर क्या होगा कि जो तमाम प्रोटोमर्स हैं वो पहले इंडिविजुअल प्रोटोमर्स आपस में मिलेंगे, उसके बाद जो है वो दूसरे सब यूनिट्स के साथ जाके बाइंड होंगे, ठीक है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी प्रोटीन्स क्या होती हैं। इनके बाद आपको तो जनरल सा व्यू आना चाहिए कि ऑक्सिलरी प्रोटीन्स क्या होती हैं। ऑक्सिलरी प्रोटीन्स ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन ये हमारे लेवल का नहीं है। हम इसमें बस ये याद रखना कि जो ऑक्सिलरी प्रोटीन्स हैं ये हेल्पिंग प्रोटीन्स के हेल्पिंग प्रोटीन्स, और इन्होंने किस में हेल्प करना है आपके पास, इन्होंने फोल्डिंग के अंदर, प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर हेल्प करना है। बस ये इतना ही याद रखें आपके लिए काफ़ी। उसके अलावा अब जो नेटिव स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो एनर्जेटिकली फेवर्ड होता है। जब आपके पास जब आप सारे प्रोसेस वगैरह आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है, तो जो आपकी नेटिव फॉर्मेशन होती है कंफर्मेशन, मतलब जो फंक्शनल आपके ग्रुप फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, तो वो कहते हैं ये एनर्जेटिकली फेवरेबल क्यों है, क्योंकि आपके पास जो हाई एनर्जी वाली होती है स्टेट वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल। और जो आपकी लो एनर्जी स्टेट है विच इज़ वेरी स्टेबल, तो आपकी जो नेटिव कंफर्मेशन, जो फंक्शनल फॉर्मेशन है, फंक्शनल कंफर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन है, वो क्या है, वो लो एनर्जी स्टेट पे है और ये फेवरेबल होगी, ठीक है। ओके, अब आपके पास जो है वो आता है जी फोल्डिंग प्रोसेस, जो है ये डायनेमिक प्रोसेस, मतलब कि ये जो है वो बार बार होती रहती है फोल्डिंग, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस बार बार होता रहता है। बहुत सी प्रोटीन ऐसी होती है कि वो बार बार टूटती हैं और बार बार जुड़ती हैं, जब उनसे डीनेचुरेशन वाली प्रोटीन निकाल देते हैं, डीनेचुरेशन एजेंट निकाल देते हैं, तो वो दोबारा कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। अब हम ओके डीनेचुरेशन हम देख रहे थे, डीनेचुरेशन आपने याद रखना है कि ये जो है वो अनफोल्डिंग की वजह से होती है, या जो डिस्ट्रप्शन आ जाए या डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाए सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी, अनफोल्डिंग हो जाए या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। अब डीनेचुरेशन एजेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट एजेंट्स हैं उसमें आपके पास हीट आ जाती है, सॉल्वेंट आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद रेडिएशन आ जाती हैं, टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा हैवी मेटल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखने के अंदर आइडियल कंडीशंस के अंदर डीनेचुरेशन जो है वो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे रिवर्सिबल है, कि ये जो है वो एक प्रोटीन है उसके ऊपर आपने डीनेचुरेटिंग एजेंट लगाया तो वो जो है वो क्या होगी, डीनेचर हो गई। जब आपने उससे डीनेचुरेटिंग एजेंट जो है निकलवा लिया बाहर, तो वो जो है दोबारा प्रोटीन की फॉर्मेशन शुरू हो गई। कभी कभी जो होती है वो इरिवर्सिबल भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर रिवर्सिबल रहती है, ठीक है। अब हम जल्दी से रोल ऑफ चेप्रॉन्स डिस्कस कर लेते हैं कि चेप्रॉन्स क्या होते हैं। चेप्रॉन्स आर दी चेप्रॉन्स क्या होते हैं, ये करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो है आपको इसकी जरूरत पड़ती है, रोल ऑफ चेप्रॉन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। चेप्रॉन्स क्या करते हैं, इन्होंने जो है वो आपके पास करेक्ट फोल्डिंग करवानी, करेक्ट फोल्डिंग के लिए इनकी जरूरत, ठीक है। मोस्ट प्रोटीन्स जब डीनेचुरेशन का शिकार हो जाती हैं तो वो दोबारा जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आती हैं, वो इसी वजह से कि चेप्रॉन्स वगैरह का रोल आ जाता है कि वो इसी वजह से होती है कि बहुत ही प्रोटीन्स जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी फोल्डिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए
मॉलिक्यूलर चेप्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी प्रोटीन दोबारा फोल्डिंग करवाते हैं, रीफोल्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, चेप्रॉन्स को आप हीट शॉक प्रोटीन्स भी कहते हैं, और ये दो किस्म की होती हैं, इनको आपने हीट शॉक प्रोटीन कहना है। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। उसके अलावा आपने याद रखें सम चेप्रॉन्स जो है वो हाइड्रोफोबिक स्टेजेस में जो है हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ जो है वो बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और ये जो है वो स्ट्रेट रखने में हेल्प करते हैं। अब दो किस्म के होते हैं चेप्रॉन्स, आपने एक क्या कह रहे हैं जी 70 वाले, एक होते हैं 60 वाले। जो 70 वाले हैं इन्होंने हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ बाइंड करना है और उसको स्ट्रेट रखने में हेल्प करना है, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन को स्ट्रेट रखना है। जो 60 वाले हैं ये केज लाइक होते हैं और इन्होंने जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जैसी केज के अंदर एंटर होगी, इन्होंने उसके हाइड्रोफोबिक जो है उसकी सेंट्रल कैविटी के साथ बाइंड कर जाना। ठीक है, और हाइड्रोजन इंट्रैक्शन के जरिए, ठीक है, और इसको फोल्ड करके उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, केज लाइक। ठीक है, उसके अलावा चेप्रॉन्स जो है वो करेक्ट फोल्डिंग जो है प्रोटीन्स की उसको फैसिलिटेट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, और इसको प्रिवेंट करेंगे प्रीमैच्योर फोल्डिंग से, प्रीमैच्योर फोल्डिंग से उसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका रोल ऑफ चेप्रॉन्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा कि करेक्ट फोल्डिंग के लिए आपको चेप्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तो बहुत सी ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनकी डीनेचुरेशन हो जाती है लेकिन वो दोबारा उनकी रीफोल्डिंग नहीं हो पाती। तो ये प्रोटीन्स होती हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, चेप्रॉन्स होती हैं। 70 वाली जो होती हैं वो स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है, जिनको उसके हाइड्रोफोबिक रीजन का बाइंड करती हैं, और 60 वाली को आप जो है वो चेपिरोनिंस भी कह सकते हैं, चेपिरोनिंस। अभी इन्होंने क्या करना है, ये केज लाइक होते हैं और इनमें से जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन पास करेगी इन्होंने उसकी सेंट्रल कैविटी के साथ थ्रू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो बाइंड कर जाना है, और इन्होंने जो है उसको क्या नाम थोड़ा सा फोल्ड करवाना है और उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, चेप्रॉन्स ने जो है वो प्रोटीन की मिसफोल्डिंग या प्रोटीन की प्रीमैच्योर फोल्डिंग को प्रिवेंट करना है और उसकी डीनेचुरेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब हम जल्दी से देखें कि कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर क्या है कि बहुत सी ऐसी प्रोटीन होती है जिनके अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होती है, कुछ ऐसी होती है जिनमें दो या दो से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जिनमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होंगी उनको आप ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो इसमें एक किस्म मोनोमेरिक प्रोटीन थी और इसमें ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स हैं। तो जो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स हैं उनके वो कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, वो कहते हैं इनके अंदर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स की जो अरेंजमेंट होती है इसको आप कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं कि ये किन किन चीज़ों से हैंड अप होते हैं ये आपने याद रखते हैं। एक दो आपने याद रखने नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग है, नॉट कोवलेंट इंट्रैक्शन जिसमें आपके पास आयनिक इंट्रैक्शन आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आ जाते हैं। ठीक है, सब यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन है उसके अंदर बाइंडिंग हो रही है टेट्रामर्स की, मतलब कि वो डिफरेंट सब यूनिट्स वगैरह अलग अलग बाइंड करें, एक बाइंड करेगा तो दूसरे वाला जो है वो उसके बाद में जाकर बाइंड करेगा, लेकिन वो भी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, ये आपका क्वार्टर सिस्टम कम्प्लीट हो गया। इसमें